पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश अपने डाकराय को ट्रेन करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो अभी भी ऐश की बात नहीं मान रहा होता। तो ऐश जाता है एक डाकराय ट्रेनर यानी कि टोबियास से मिलने और उससे पूछता है कि तुम्हारा डाकराय तुम्हारी बात कैसे मानता है। और तब यार टोबियास ऐश को अपनी बैक स्टोरी बताता है। टोबियास बताता है कि वो एक बार दुखी बैठा हुआ था और तब ये जो डाकराय है खुद ही टोबियास के पास चल के आया था और यार टोबियास से बैटल करने के लिए उसने कहा था। टोबियास उससे बैटल करता है लेकिन यार टोबियास का लुकारियो हार जाता है। लेकिन फिर भी टोबियास जो है वो अपने लुकारियों की परवाह करता है, वो डाकराय को पकड़ना छोड़ के अपने लुकारियों को देख रहा होता है, जो चीज़ डाकराय को बहुत पसंद आती है। और वो खुद ही तैयार हो जाता है टोबियास के साथ आने के लिए। अब आगे टोबियास ऐश को समझाता है कि हमेशा एक पोकेमोन को पकड़ने के लिए उसको हराना ज़रूरी नहीं है, उसको बैटल में कमज़ोर करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी उसका विश्वास भी जीतना पड़ता है। और वही चीज़ तुम्हारे डाकराय के साथ है, तुमने उसको कमज़ोर करके पकड़ ज़रूर लिया है मास्टर बॉल में, लेकिन यार तुम उसका अभी तक विश्वास नहीं जीत पाए, जिसकी वजह से वो तुम्हारी बात अभी बिल्कुल भी नहीं सुनता। ऐश समझ जाता है कि उसको कैसे भी करके अपने डाकराय का विश्वास जीतना होगा, तभी वो उसकी बात मानेगा। तभी ऐश टोबियास से कहता है कि फिर वैसे तुमने अपना लैटियोस कैसे पकड़ा, उसके बारे में भी स्टोरी बताओ, अपने आगे की भी स्टोरी सुनाओ। टोबियास कहता है तुम आगे भी जानना चाहते हो, ठीक है। और टोबियास अपनी स्टोरी आगे कंटिन्यू करता है। टोबियास बताता है कि डाकराय को कैच करने के बाद अब टोबियास का नॉर्मल पोकेमॉन में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं था, उसका डाकराय इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अब उसे सब पोकेमॉन्स डाकराय के लेवल के चाहिए थे या फिर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए थे। इसी वजह से टोबियास डिसाइड करता है कि वो आगे भी और लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को ही पकड़ेगा। और यार काफ़ी ढूंढने के बाद टोबियास को फाइनली एक लैटियोस मिलता है एक जंगल में। टोबियास इस बार अपने डाकराय को भेजता है लड़ने के लिए और यार डाकराय वर्सेस लैटियोस की यहाँ पे बैटल होने लग जाती है। लेकिन तभी यार बीच बैटल में ही यार जो लैटियोस है उसका पार्टनर लैटियास आ जाता है और वो दोनों मिलकर डाकराय से लड़ते हैं, जहाँ पे डाकराय थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा होता है कि तभी अचानक से जो टोबियास है वो अपना लुकारियो भी भेज देता है। यहाँ पे काफ़ी खतरनाक 2-2 बैटल के बाद टोबियास फाइनली जीत जाता है बैटल में और 2 पोकेबॉल की मदद से लैटियास और लैटियोस दोनों को ही पकड़ लेता है। इसके बाद टोबियास डिसाइड करता है कि वो अब यार जिम बैटल्स भी लड़ेगा और टोबियास जिम बैटल करता है और 8 के 8 जिम्स वो अपने सिर्फ अकेले डाकराय की मदद से जीत जाता है। अब यार टोबियास पोकेमॉन लीग में जाने वाला था लेकिन यार पोकेमॉन लीग में 6 पोकेमॉन लगते हैं, जिसकी वजह से टोबियास अब और पोकेमॉन ढूंढने लग जाता है और उसी बीच उसको एक एंटे मिलता है और टोबियास उसको हराता है और एंटे को भी कैच कर लेता है। अब यार टोबियास को बिल्कुल उसका फाइनल पोकेमॉन चाहिए था, जो कि उसको पकड़ने में आता है एक क्रसेलिया। डाकराय वर्सेस क्रसेलिया की काफ़ी तगड़ी फाइट होती है और आखिरी में टोबियास का डाकराय जीत जाता है और टोबियास यहाँ पे क्रसेलिया को भी पकड़ लेता है। और यार टोबियास बताता है कि इसके बाद ही मैं पोकेमॉन लीग में आया था, जहाँ पे मैं अपने डाकराय की मदद से ही इजीली जीत जा रहा था, कोई भी मुझे हरा नहीं पा रहा था, मेरे डाकराय को अभी तक कोई भी नहीं हरा पाया था। लेकिन फिर यार ऐश ही वो पहला ऐसा ट्रेनर आया जिसने अपने 2-3 पोकेमॉन का यूज़ करने के बाद फाइनली सेप्टाइल की मदद से डाकराय को हरा दिया। टोबियास बताता है कि मैं सही में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार अपने डाकराय को हारते हुए देखा था, मेरा डाकराय इससे पहले कभी भी नहीं हारा था। ऐश भी टोबियास से कहता है कि सही में तुम भी बहुत पावरफुल थे और मैं तुम्हारी पावर देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान था कि इतना नेक्स्ट लेवल ट्रेनर भी कोई हो सकता है। और यार ऐश अब समझ जाता है कि उसको डाकराय का विश्वास जीतना होगा। टोबियास ऐश को बेस्ट ऑफ लक कहता है और कहता है कि तुम एकदम सही से अपने डाकराय को ट्रेन करो, ये तुम्हारा बहुत पावरफुल पोकेमॉन बनेगा। और इसी के साथ यार टोबियास और ऐश एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। अब यार ऐश डाकराय की पोकेबॉल को देखता है और मन बना लेता है कि अब मेरे पास बस 2 रास्ते हैं, या तो अब डाकराय मेरी बात सुनेगा तो सही है, नहीं तो फिर उसको मैं रिलीज़ कर दूंगा। अब यार यहाँ पे ऐश निकालता है डाकराय को और डाकराय निकलते ही तुरंत ही ऐश पे हमला कर देता है। लेकिन ऐश इस बार जल्दी से हमले से बचता है और डाकराय को समझाता है कि शायद से तुम समझ रहे हो कि मैं एक बहुत बुरा ट्रेनर हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़े गलत तरीके से पकड़ा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है डाकराय, मैं अपने पोकेमॉन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें भी एक बहुत सही पोकेमॉन की तरह रखूंगा, बट शायद से तुम्हें मैं एक बहुत बुरा ट्रेनर लग रहा हूँ, इसी वजह से तुम मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन यार इतना बोलने के बाद भी डाकराय जो है वो ऐश पे ही हमला कर देता है। ऐश फिर से अटैक से बच जाता है और डाकराय से कहता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते और तुम मेरी टीम में नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हें रिलीज़ कर देता हूँ। और यार तुरंत ही फिर ऐश अपने डाकराय को रिलीज़ कर देता है और डाकराय वहाँ से चला जाता है। ऐश काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो उस डाकराय को अपने पास रखना चाहता था, अपने पोकेमॉन की तरह रखना चाहता था, बट पता नहीं क्यों डाकराय ने ऐश को एक भी चांस ही नहीं दिया। तो ऐश काफ़ी दुखी होता है लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ऐश प्रोफेसर ओक को कॉल करता है और उनको बता रहा होता है कि मैंने अपने डाकराय को रिलीज़ कर दिया है। प्रोफेसर ओक को ऐश पे काफ़ी प्राउड फील होता है और वो कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही किया, अगर वो डाकराय तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और तुम उसको अपने साथ ज़बरदस्ती रख रहे हो तो ये काफ़ी बेकार होता, तुमने रिलीज़ करके बहुत ज़्यादा अच्छा किया ऐश, तुम एक बहुत परफेक्ट ट्रेनर हो। ऐश ये सुन के काफ़ी खुश होता है और तभी प्रोफेसर ओक ऐश से कहते हैं कि वैसे मुझे तुम्हें एक और चीज़ बतानी है कि अपने डैड से बैटल करने से पहले तुम्हें अपने सारे जो चैंपियंस हैं हरिजन के उनसे बैटल वापस से करनी पड़ेगी अपने डैड के सामने।
ऐश कहता है पर ऐसा क्यों, मैं तो ऑलरेडी उनको ऑफिशियल टूर्नामेंट के अंदर हरा चुका हूँ सबके सब चैंपियंस को, मैं तभी जाके वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि एक्चुअली ये रूल है कि पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने से पहले तुम्हें उनके सामने हर एक चैंपियन को हरा के दिखाना पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो ही तुम पोकेमॉन मास्टर से बैटल कर सकते हो। ऐश कहता है अगर ऐसी बात है फिर तो मैं डैड के सामने भी उन सबको हराऊंगा और मेरी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग भी हो जाएगी डैड से लड़ने के लिए। अब यार ऐश अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर रहा होता है कि तभी अचानक से वो देखता है कि एक जगह से काफ़ी ज़्यादा आग यहाँ से वहाँ उड़े जा रही है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ तो आग का हमला है अलग ही चल रहा है। तभी ऐश वहाँ जाके देखने लग जाता है और यार वहाँ जाके उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक फायर पोकेमॉन्स का कॉम्पिटिशन हो रहा है, एक फायर पोकेमॉन का टूर्नामेंट हो रहा है। ऐश बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने चार्जार्ड को निकालता है और कहता है कि चार्जार्ड लगता है तुम्हारी ताकत देखने का वक्त आ चुका है। चार्जार्ड भी बहुत एक्साइटेड होता है पावरफुल अपोनेंट से लड़ने के लिए और यार ऐश उस टूर्नामेंट के अंदर रजिस्टर कर लेता है अपने चार्जार्ड के साथ में। ऐश का सबसे पहला मैच होता है एक बंदे के साथ में जिसका नाम है रॉन, और यार ये बंदा बहुत घमंडी होता है और बार बार ऐश को कुछ बुरा बुरा बोल रहा होता है। ऐश समझ जाता है कि बैटल के अंदर इसको बहुत बुरा मारना ही होगा। पहली मैच होती है और वो रॉन निकालता है अपने हाउंडूम को और ऐश निकालता है चार्जार्ड को। हाउंडूम चार्जार्ड पे फ्लेम थ्रोअर करता है लेकिन यार चार्जार्ड अटैक से बचता है और सीधा एक स्लैश अटैक मार देता है हाउंडूम के मुंह पे और वो बहुत डैमेज हो जाता है। हाउंडूम चार्जार्ड पे क्रंच अटैक करने का ट्राई करता है लेकिन चार्जार्ड अटैक से फिर से बच जाता है और इस बार एक बहुत खतरनाक ड्रैगन टेल घुमा के मारता है वो हाउंडूम पे और हाउंडूम यहाँ पे फिर से बहुत इंजर्ड हो जाता है। ऐश स्माइल करता है और कहता है कि वक्त आ चुका है इसका घमंड तोड़ने का। चार्जार्ड साइस्मिक टॉस, और चार्जार्ड साइस्मिक टॉस के लिए उठा लेता है हाउंडूम को और बहुत खतरनाक अटैक उस पर मार देता है और हमको देखने मिलता है कि हाउंडूम फेंट हो चुका है। और यार यहाँ पे इसी के साथ ऐश अपना फर्स्ट मैच जीत जाता है और आ जाता है अगले राउंड के अंदर। अब ऐश की सेकंड मैच आती है जहाँ पे ऐश का अपोनेंट निकालता है एक मैग मॉर्टर को और ऐश निकालता है चार्जार्ड को। मैग मॉर्टर फायर पंच करने का ट्राई करता है लेकिन यार चार्जार्ड अपने ड्रैगन क्लॉ के साथ में जवाब देता है और यार चार्जार्ड का अटैक उस पर बहुत भारी पड़ता है। चार्जार्ड अपनी पूरी ताकत से एक ओवरहीट करता है लेकिन यार सामने से मैग मॉर्टर भी ओवरहीट कर देता है और दोनों के अटैक टकरा जाते हैं। मैग मॉर्टर अपने फाइनल फायर ब्लास्ट की मदद से इस बैटल को ख़त्म करने का डिसाइड करता है लेकिन यार चार्जार्ड उसके अटैक से बचता है और यार तुरंत ही एक स्टील विंग उस पर मार देता है और चार्जार्ड यहाँ पे फिर से एक साइस्मिक टॉस मारता है और मैग मॉर्टर को भी हरा देता है और ऐश आ जाता है अगले राउंड में। ऐश बहुत खुश होता है और कहता है कि ये टूर्नामेंट तो डेफिनेटली मैं ही जीतने वाला हूँ। बाकी होगा यार अब नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया ज़रूर दबाओ, और मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।